Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu News discussion जो कि CLAT, A-LIT, CLAT PG, NLSAT and other law entrance test आप देंगे आप लोगों के लिए important हो सकता है। आगे बढ़ें उससे पहले यार वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए CLAT Point आपको ऑफर करता है CLAT UG विजेता 2023 का बैच, CLAT PG 2023 के लिए अचीवर्स बैच, NLSAT 2023 के लिए ब्रह्मास्त्र बैच जो है हमारा, CLAT UG 2024 के लिए एवेंजर बैच है हमारा। इसके अलावा CLAT Point का मैजिक बॉक्स भी आप परचेस कर सकते हैं जिसमें आपको बुक्स आपके घर बैठ के आएंगी प्लस 50 मॉक्स रहेंगे, ये फॉर CLAT UG है। एंड CLAT PG 2024 के लिए चैंपियंस बैच चल रहा है, ड्यूअल LLB की कोर्सेज आप हमसे ले सकते हैं, आप इन सभी एग्जाम्स के मॉक्स हमसे ले सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे डेमो क्लास देखिए, डिटेल लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और जो भी जानकारी आपको चाहिए आप लेके जो है आप इन कोर्सेज में चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। आज देखिए काफ़ी कुछ है, बड़ा अच्छा अच्छा टॉपिक्स डिस्कस करने को मज़ा आने वाला है। सबसे पहला आर्टिकल देखो ना, हम इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। कल भी हमने इसको थोड़ा बहुत किया था बट आज हम इसको ज़्यादा करेंगे क्योंकि आज के द हिंदू में एडिटोरियल्स के सेक्शन से एक दो आर्टिकल ही बहुत ऐसे कुछ लगे थे इंपॉर्टेंट, तो मैंने बिजनेस लाइन से एक आर्टिकल उठाया है और एक जो है आपका इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है और द हिंदू का जो एक दो आर्टिकल से एडिटोरियल के वो हमने देखने हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर देखिए ये अभी न्यूज़ में क्यों आया, कल तो इंडिया हार गई श्रीलंका से और अब इंडिया का एशिया कप का सपना तो टूट ही चुका है, लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान वाला मैच हुआ था ना उसमें अर्शदीप से ये कैच छूटा था, मैंने आपको कल भी ये बताया था। उसके बाद ना एक ट्विटर पे काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेंड होने लग गई थी कि खालिस्तान है, मतलब खालिस्तानी रिलेटेड इनको नाम जोड़ा जाने लगा, विकिपीडिया पे इनके खालिस्तान से कनेक्शन जोड़ दिया गया और इनको काफ़ी सारा अब्यूज़ टाइप का चीज़ें सहना पड़ा। तो ये क्या था, ये इंडियंस ने किया, हम लोग कर रहे थे या फिर पाकिस्तान की मीडिया से हो रहा था, क्या चीज़ थी ये? तो एक्चुअली ना देखो ये ऐसा नहीं था कि ये इंडिया के थ्रू किया जा रहा था या फिर इंडिया हमारे जो देश के लोग हैं वो लोग इस तरीके की चीज़ें लिख रहे थे। तब चीज़ें जैसे सामने आई तब देखने में ये मिला कि इसमें पाकिस्तान की ISI का इन्वॉल्वमेंट था। अब वो कैसे था क्या था मैं आपको आके बताता हूँ, पहले ना एक संस्थान के बारे में जानो। इस संस्थान का नाम है आपका मुझे नाम अभी याद, हाँ ISPR, ठीक है। ये ISPR क्या है, ISPR ना पाकिस्तान की ISI के द्वारा ही एक एजेंसी बनाई गई है जिसका मेन काम यही होता है कि भैया किसी भी तरीके से जो है फेक आप कह सकते हो नरेटिव्स इंडिया के अगेंस्ट में क्रिएट किए जाएं, ठीक है। अभी जो ISPR है ना ये काफ़ी समय से काम कर रही है पाकिस्तान के लिए, इवन 1949 से ही इन्होंने इसको बना दिया था। अब मैं इस पर आऊँगा, उससे पहले थोड़ा सा मामला समझते हैं। देखो ये इकलौता ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें करी गई हैं। आपको याद होगा तेज बहादुर जी एक आर्मी के ऑफिसर थे, आई थिंक सोल्जर थे, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से खाना जो है वो इंडियन आर्मी में लोगों को मिल रहा है, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। उसके बाद ना ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा था इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे आने लगे कि रिटायर्ड कर्नल रिटायर्ड जनरल जो हैं इंडिया के वो जो है इस तरीके की ट्वीट कर रहे हैं कि ये जो चीज़ हुई है गलत हुई है और इंडियन आर्मी में ऐसा है वैसा है। तब बाद में ये पता पड़ा कि आर्मी के लोगों में से तो कोई भी ट्वीट नहीं कर रहा था, ये जो है ना पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आ रहे थे, तो इसमें भी ISPR पाकिस्तान की जो है वो पूरी की पूरी इन्वॉल्व थी। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर का एक इंसिडेंट आपको याद होगा कि एक पेरेंट जो थे उनको जो है मिलिटेंट्स ने मार दिया था, तो उनके बच्चे को इंडियन आर्मी संभाल के वहाँ से निकाल रही थी, तो नरेटिव ये क्रिएट किया गया ISPR के द्वारा कि इंडियन आर्मी ने ही उनके पेरेंट को मारा और फिर गुड फेथ में फ़ोटो खिंचा के ये इस तरीके की चीज़ें की जा रही है। तो और भी आप देखते हो कि वर्ल्ड लेवल पे ना ये दिखाया जाता है कि इंडिया जो है इस्लामोफोबिक है, यहाँ पे ये है वो है, काफ़ी बार ऐसे ट्विटर पे ट्वीट होते हैं, तो इसके लिए ISPR बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और सिर्फ यही नहीं, इवन पाकिस्तान जो है ना काफ़ी सारा पैसा खर्च करता है फॉरेन मीडियाज़ को देने के लिए और उस पैसे को फॉरेन मीडियाज़ को दे के जो है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। जैसे कि रिहाना की ने जब ट्वीट किया था तो उसमें माना गया था कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है कोई ना कोई बाहर की एजेंसी। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट चलवाए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में सप्रेशन और ये सब पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं वो, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में हमेशा देखने को मिलती है। देखिए सिक्स कंपोनेंट होते हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिलिट्री डिसेप्शन, फिजिकल डिस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी मेजर, इन्फॉर्मेशन अटैक।
एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है क्या, अगर इसको ऐसे समझें तो इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रस्टेड बाय अ टारगेट विदाउट द टारगेट अवेयरनेस सो दैट द टारगेट विल मेक डिसीजन अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द वन कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। बेसिकली मतलब ये कि भैया सामने वाले को मैनिपुलेट इस तरीके से करना कि उसके दिमाग में वो प्रोपेगेंडा आ जाए जो सामने वाला चाह रहा है कि वो उसको लगे। तो ये जो होता है ना, ये होता है आपका इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। अब इसमें देखिए दो तीन चीजें और मैं आपको बताता हूँ। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो उस समय ही पाकिस्तान ने ISI क्रिएट कर दी थी, उस समय पाकिस्तान को नीड फील हो गई थी इंडिया ने, जबकि ये बहुत लेट किया है। हमारे देश में रॉ की जो स्थापना है ना वो 1968 में हुई है, बट वहीं पाकिस्तान ने 1948 में कर दिया था। पाकिस्तान ने 1949 में जो है वो ISPR जो है इसको फॉर्म किया था, जो प्रोपोगंडा फैलाने की काम करती है, इंटर सर्विस कुछ करके इसका नाम है, फुल फॉर्म देख लेना। तो इंडिया ने लेकिन आज तक ISPR जैसी कोई संस्थान नहीं बनाई है। हमारे यहाँ का जो मिलिट्री है, आर्मी, इनका ये मानना है, और जो कि सही बात भी है कि हम प्रोफेशनल आर्मी हैं, ये सब फर्जी चीज़ों में हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन राइटर जो है, अगर आप उनकी सुनेंगे इस ऑडिटोरियल में, तो वो ये कहते हैं कि अब समय का जो है ना नीड है कि इंडिया को भी इस पोर्शन पे भी सोचने की ज़रूरत है, और फ्यूचर में जैसे पाकिस्तान इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है तो उस पर रोकने के लिए इंडिया को कुछ ना कुछ चाहिए होगा। जैसे कि अभी ना 5 अगस्त को आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस हटा था उसकी एनिवर्सरी थी, तो आपको बिलीव नहीं होगा पाकिस्तान की मीडिया को है ना शेड्यूल दे दिया गया था ISI के द्वारा कि भैया आपको 4 तारीख को ये दिखाना है, 3 तारीख को दिखाना है, 5 तारीख को दिखाना है, और सारे चैनल जो है वो सेम टाइप की चीज़ें न्यूज़ों में दिखा रहे थे। बालाकोट जो स्ट्राइक हुआ था वो इंडिया की जीत थी पाकिस्तान के अगेंस्ट में, लेकिन फॉरेन मीडिया में कैसी खबर फैलाई गई थी, ये वॉरफेयर मास्टरपीस पाकिस्तान की दिखा रहा है किस तरीके से इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का यूज़ करके उन्होंने प्रोपोगंडा फैलाया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर जो है ना पाकिस्तान की जीत हो गई है। आपको याद होगा अभिनंदन जी जो है उनको पकड़ लिया गया था, फिर उनकी भी कुछ वीडियोज़ वायरल करी जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान करता रहता है, ISPR करता रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आर्टिकल था। एक आंकड़े की अकॉर्डिंग माना जाए तो पाकिस्तान सालाना 600 करोड़ रुपया जो है वो इन सब चीज़ों पर खर्च करता है। ISI के पास देखो पैसा रहता है, पाकिस्तान कितना भी गरीब रहे ISI जो है ना अपना पैसा पहले ही ले लेती है, तो वो यहीं सब खर्च कर रही है, देश की इकोनॉमी से उनको कोई लेना देना है नहीं। इसके बाद देखिए, ये मैंने कल भी न्यूज़ बताई थी आपको, एक एडिटोरियल कल आया था उसमें कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, तो आज मैंने उसको कवर करने की कोशिश करी है। देखो Cyrus P. Mistry जो हैं इनकी अभी देहांत हो गया, पर आप नॉर्मली रोड एक्सीडेंट के केसेस में क्या देखते हैं कि हम आगे बैठते जो हैं वो सीट बेल्ट लगाते हैं, पीछे वालों को कहा जाता है कि यार वो तो सेफ होते हैं, जो आगे होते हैं वो कान से टकरा सकते हैं इसलिए उनकी मौत हो जाएगी, इसलिए आप जो है सीट बेल्ट लगाइए। इवन जो गाड़ियां बनती हैं आप उसमें देखते हो कि बीप 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 तभी करता है जब आप आगे बैठे हो, पीछे के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक देखने वाली जो बात ये थी कि जो इस गाड़ी के अंदर आगे बैठे हुए थे ना वो लोग बच गए, Cyrus P. Mistry पीछे बैठे हुए थे उनका देहांत हो गया। तो ये एक चिंता का विषय क्रिएट हुआ है, सामने चिंता का विषय आया। इस पर गवर्नमेंट ने अभी एक नई गाइडलाइंस भी दे दी है जो आज की न्यूज़ में भी है कि भैया जो मैन्युफैक्चरिंग है कार वाले वो पीछे के लिए भी बीप बीप बनाएं। ऑल दो देखा जाए ना तो ये बीप बीप जो गाड़ी में होती है ये सॉल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म में। ये तो चलो ठीक है ज़बरदस्ती आप इरिटेशन से बंद कर देते हो, और उसका भी लोगों ने सॉल्यूशन निकाल रखा है कि थोड़ा आगे हो जाते हैं, सीट बेल्ट को जो है पीछे से बांध देते हैं, फिर सीट बेल्ट के ऊपर बैठ जाते हैं। तो कम से कम आप लोग आज के बाद तो ध्यान रखिएगा कि जब इतनी अच्छी गाड़ियाँ, Cyrus P. Mistry के पास कोई छोटी मोटी तो गाड़ी होगी नहीं, ठीक है। अब वो गाड़ियाँ जो इतनी ज़्यादा सेफ्टी प्रोटोकॉल सब फॉलो करती है उसके बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो आप लोगों का ये दायित्व है कि अपने घर में लोगों को जागरूक करें और खुद भी सीट बेल्ट हमेशा लगाएं, इवन पीछे भी सीट बेल्ट लगाएं। ये इंसिडेंट इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि कैसे पीछे वाले ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं। देखो मैंने ना 2-3 बार ऐसे एग्जांपल सुने हुए हैं। देखो आप ऐसे सिंपल देख लो, जो आगे वाला बैठा रहता है उसके लिए तो एयरबैग भी खुल जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन गाड़ीज़ में अगर आप थोड़ी सी लो कॉस्ट में गाड़ियाँ लेते हैं तो पीछे एयरबैग भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि भैया जब कोई पीछे से टकराएगा तो बहुत तेज़ी से वो आगे की तरफ फेंकेगा, लेकिन आगे वाला तो एयरबैग की वजह से बच जाएगा। तो बहुत बार ये होता है कि पीछे वाले बंदे जो है ना वो कांच की तरफ आ जाते हैं, और ये बहुत बार देखा गया है। तो इसीलिए ये चीजें हैं कि थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। फिर यहां पे देखिए गाइस, अगला आर्टिकल जो है वो है विजिंजाम पोर्ट से रिलेटेड आएंगे, इसको भी देखते हैं, पूरा डिस्कशन करते हैं कि क्या है ये। पहले इसकी लोकेशन देख लो, तो ये आपका कोच्चि है केरल में, और उसी के नीचे जो है आपका यहाँ पे जो है ये विजिंजाम
पोर्ट बन रहा है, अडानी ग्रुप के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। ये पूरा जो है शिप रूट नेटवर्क जो है कवर करने की कोशिश करी जा रही है इसके थ्रू, ठीक है। तो विजिंजाम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो है ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ केरला का। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हो रहा है, अडानी ग्रुप जो है इसको बना रहा है केरला गवर्नमेंट के साथ मिलके। लेकिन इसमें अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि वहाँ के जो लोकल फिशरमैन्स हैं वो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स की जो टॉप डिमांड है ना वो क्या है, सबसे पहली चीज़ तो है कि भैया प्रोजेक्ट को रोक दो। फिर इसके अलावा इतना ही नहीं, और भी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कि रिहैबिलिटिंग फैमिलीज, जो लोगों ने सी इरोजन में अपनी अपने घरों को खो दिया है, कोस्टल इरोजन कम करिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फिशरमैन्स दीजिए, कंपनसेशन टू फैमिलीज ऑफ फिशरमैन्स दीजिए जिनकी लाइफ जो है एक्सीडेंट में चली गई है, कैरोसिन को सब्सिडाइज करिए क्योंकि जो मोस्टली बोट्स होती हैं जो फिशरमैन यूज़ करते हैं उसमें कैरोसिन का यूज़ होता है, डेवलपिंग अ मैकेनिज्म टू ड्रेज द मुतलपोजी फिशिंग हार्बर इन अचिनटेंगू, ठीक है। तो ये प्रोनाउंसिएशन है जगह का। तो ये सारी डिमांड्स जो हैं इसमें से सब लगभग सारी डिमांड सरकार मानने को तैयार है, एक्सेप्ट दो कि पहले तो कंस्ट्रक्शन हम नहीं रोकेंगे, दूसरा सब्सिडिंग कैरोसिन जो है अभी वो पॉसिबल नहीं है। बाकी चीज़ों में इन्होंने कहा है कि ठीक है वो सब तो हमारा कर्तव्य था हम करेंगे, बट फिलहाल जो है अभी कॉमन ग्राउंड निकल के नहीं आ रहा है। अब फिशरमैन का कंसर्न क्या है, फिशरमैन का कंसर्न ये कि यार पोर्ट की जो प्रॉक्सिमिटी है ना वो फिशिंग हार्बर के, मतलब देखो पोर्ट की प्रॉक्सिमिटी की वजह से क्या होगा कि समुद्र के आसपास के जो वाला रीजन होगा ना उसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो सकती है और शांति भंग हो सकती है, तो फिर वहाँ पे उनको थोड़ा सा फिशिंग करने में दिक्कत होने वाली है। इसके अलावा अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इनको और दूर जाना पड़ रहा है जबकि फ्यूल प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं, फिर सब्सिडी गवर्नमेंट ने रिमूव कर ही रखी है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इतना सारा पैसा लेके आप इसको बना रहे हो, इतना इससे इनकम जनरेट नहीं होगा, आप नुकसान में चले जाओगे। तो ये डेट ट्रैप जो है ना ये फिर से मतलब इनके पास क्या है ना, केरल में एक दो पोर्ट ऐसे एग्जांपल ऑलरेडी हैं जैसे कि वलनपद्दम टर्मिनल करके है, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है लेकिन अब वहाँ से उतना कुछ रेवेन्यू आ नहीं रहा है, तो ये कह रहे हैं कि कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंसर्न सामने आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल जो है बड़ा एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करने वाला आर्टिकल है और लगता है कि हाँ वो कहते हैं ना विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो है नहीं है ये एक सोचने वाला विषय है। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अगस्त 31 को बीजेपी के दो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, आपके निशिकांत दुबे ये हैं और मनोज तिवारी जी को तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो ये दोनों जो हैं ये झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है आपका देवगढ़, आई थिंक देवगढ़ ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार देख लेते हैं। अगस्त 31 में टू बीजेपी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे मनोज तिवारी इनकरेज द लिस्ट टू हैव फोर्सफुली ऑब्टेन टेक ऑफ क्लियरेंस, हाँ देवगर एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये देवगर एयरपोर्ट पे गए थे, ये देखिए झारखंड है और यहाँ पे ये स्थित है। एक्चुअली एक वहाँ पे महिला के साथ जो है वो कुछ दुष्कर्म का मामला था और उनको फिर आग लगा के शायद मार दिया गया था। तो ये उनके जो हैं फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए गए थे इस दुखद इंसिडेंट के बाद। अब हुआ क्या कि जब ये मिलने गए तो शाम को ये लौटने लगे, तो 6:05 या उस समय सनसेट हो गया था। देवगढ़ जो एयरपोर्ट है ना उसको क्लियरेंस जो है वो यहीं तक का है कि आप सनसेट से पहले जो है आप जो सनसेट होते होते फ्लाइट जो है वो जा सकती हैं, उसके बाद नहीं जाएंगी। बट फिर ये लोग 6:17, 6:18 पे शायद टेक ऑफ करते हैं प्रेशर डाल के, ये आरोप लगा हुआ है कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल थे देवगढ़ एयरपोर्ट पे उनको प्रेशर डाला गया और ज़बरदस्ती जो है उनसे इस तरीके की चीज़ें करवाई गई और फ्लाइट को टेक ऑफ कराया गया। तो जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उस पर क्वेश्चंस आ गए, इनके ऊपर क्वेश्चन आ गए और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब क्या हुआ, दोनों ने दूसरे के ऊपर केसेस फाइल कर दिए। झारखंड में सरकार आपको पता ही अलग है, तो पूरा कॉन्सेप्ट वही हो जाता है पोजिशन अपोजिशन वाला। तो यहाँ पे मिस्टर दुबे जी ने भी अगेंस्ट में FIR फाइल कर दी सेडिशन की कि भाई हमारे ऊपर मारने की कोशिश करी गई है देवगढ़ के डिप्टी कमिश्नर एंड पुलिस के द्वारा, और वहीं इन लोगों के ऊपर भी चार्जेस लगे हुए हैं कि इन्होंने दस्ती चीज़ें करने की कोशिश करी हैं। तो ये है मामला। लेकिन अगर आप आर्टिकल के सुनेंगे तो आर्टिकल कह रहा है कि यार ये सब तो चलो एक अलग बात है, लेकिन ये जो इतना मतलब पावर का मिसयूज़ हो रहा है और जो सेफ्टी नॉर्म्स का साथ खिलवाड़ हो रहा है ये किस हद तक सही है, ये क्वेश्चन का विषय है। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए चिली में रेफरेंडम होने वाला था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लग रहा था कि लोग मान जाएंगे लेकिन भैया उल्टा हो गया है।
61.9% ऑफ द वोटर्स रिजेक्टेड द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। प्रेसिडेंट गैब्रियल वोरिक जो हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पास हो जाए, लेकिन इसको जो है चिली के लोगों ने नकार दिया है। चिली में इससे पहले जो है वो अगस्त पिनोचेट 41 ईयर्स एगो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन आया था उनके द्वारा, उनके अंडर में अभी तक वही चल रहा है। चिली की बात करें तो लैटिन अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट मोर देन 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज इकोनॉमिकली वनरेबल है, वहाँ पे इनकम इनइक्वलिटी भी है, लेकिन हाँ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है लैटिन अमेरिका के अंदर ये, ठीक है। अब ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का खेल कहाँ से आया, 2019 के अंदर प्रोटेस्ट हुए चिली के अंदर कि भैया हमें जो है लार्जर लेवल पे इंडिपेंडेंस चाहिए और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे प्राइवेट बॉडीज जो हैं वो कंट्रोल करती हैं एंड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकार जो है इन्वॉल्व हो, पब्लिक चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। फिर अक्टूबर 2018 को सिर्फ इस चीज़ के रेफरेंडम हुए थे कि क्या आपको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो 78% चिली की जनता ने कहा था कि हाँ, ड्राफ्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को सबने थम्सअप किया था, लेकिन अब जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को ठुकरा दिया गया है। अब एक नाम आपने सुन लिया होगा न्यूज़ में, के शैलजा जी को नॉमिनेशन के रिलेटेड किस चीज़ में, रमन मैक्से अवार्ड। ये नाम आप बहुत बार सुनते हैं, हर साल इसके ऊपर आप पढ़ते भी हैं, तो आज इस अवार्ड को भी जानेंगे और ये क्या है ये मसला ये भी जानेंगे। तो के शैलजा जी जो है ना ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं और रमन मैक्से अवार्ड के लिए इनसे पूछा गया था फिलीपींस की सरकार ने कि हम आपको नॉमिनेट करना चाहते हैं, पर इन्होंने अपना नाम देने से मना कर दिया। इसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है कि केरला की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट है उनके द्वारा इनको मना कर दिया गया है कि भैया आप नाम अपना वापस ले लें। इसके पीछे कारण क्या है, रमन मैक्से जो प्रेसिडेंट रहे हैं फिलीपींस के पहले, ऐसा बताया जाता है कि ही वॉज एंटी कम्युनिस्ट विचारधारा, जो ये पॉलिटिकल पार्टी जिस विचारधारा पे है, और इसीलिए के शैलजा जी ने डिक्लाइन कर दिया है ऑफर टू कंसीडर टू द प्रेस्टिजियस रमन मैक्से अवार्ड। ठीक है, ये मैंने आपको सारी चीज बता दी। हु इज रमन मैक्से, तो ही वॉज बॉर्न इन 1907, सेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस थे फ्रॉम दिसंबर 1953 टू मार्च 1957 बिफोर ही वॉज किल्ड इन अ प्लेन क्रैश ऑन माउंट मैनिगुअल इन सेबू आइलैंड। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, जब इनका देहांत हुआ तो 1957 में इनके नाम पे इस अवार्ड को शुरू किया गया रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा। देन बाद में जो है इन्हीं के चलते हुए एक पूरा का पूरा फाउंडेशन क्रिएट किया गया, रमन मैक्से अवार्ड फाउंडेशन, और उसके थ्रू जो है ये फिर अवार्ड लोगों को दिया जाने लगा। एशिया का नोबेल प्राइज भी इसको कहा जाता है। ये अवार्ड जो है इनिशियली जो है गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग पे दिया जाता था। रिसेंटली इसमें जो है ना एमरजेंट लीडरशिप को भी ऐड किया हुआ है। भारत से अब तक 58 लोगों को ये इंटरनेशनल ऑनर मिला हुआ है। कुछ नाम आप देख लीजिए, मदर टेरेसा, सत्यजीत राय, वर्गीस कुरियन, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, महाश्वेता देवी एंड अरुणा रॉय, तो ये कुछ नाम हैं जिनको फिलहाल भारत से ये अवार्ड मिल चुका है। तो ये था बेसिक रिगार्डिंग दिस। इसके बाद बांग्लादेश की पीएम जो हैं भारत में आई हैं, हमने पूरा का पूरा टीस्टा वाटर रिवर वाला मामला भी समझ लिया है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अलग अलग मुद्दों पे प्रॉब्लम्स हैं वो भी देखी हैं, जिसमें एक बड़ा मुद्दा जो है वो रिवर से रिलेटेड है, तो हमने ये सब ऑलरेडी आज से 2 या 3 दिन पहले ही डिस्कस किया है, तो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर एंड स्टेट से कहा है कि जो EWS कोटा आपने दिया है 10% रिजर्वेशन जो आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया है, इसमें SC ST कम्युनिटी को बाहर रख के आपने जो ये दिया है, क्या ये सही है नहीं है, और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन है नहीं है, तो इस पर जवाब मांगा है। तो लेट्स सी, ये 103rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, भारत बायोटेक ने इनकोवैक करके एक वैक्सीन बनाई है जो भारत की फर्स्ट इंट्रानेसल COVID-19 वैक्सीन है। इंट्रानेसल का बेसिकली मतलब है इस वैक्सीन को नाक के थ्रू लिया जाता है ड्रॉप डाल के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ऐसी इकलौती वैक्सीन और है जिसका नाम है कैंसिनो बायोलॉजीज, ये चाइना के द्वारा बिल्ड करी गई है। इन वैक्सीन का फायदा क्या होता है, इस वैक्सीन के थ्रू जो ट्रांसफर रेट होता है ना कोविड का, या फिर से अफेक्ट होने का जो चांसेस होता है ना कोविड का, वो बहुत कम हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है इंडिया के लिए कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया है।
अफ्रीकन चीता में अराइव ऑन मोदी जीज बर्थडे। अफ्रीकन चीता आ रहा है नामीबिया से, जा रहा है कूनो पलहर फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा रखी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर से रोक हटा दी है, लेकिन अब ये ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्थ चेकअप में, इन सब में फंसा हुआ है। ठीक है, तो माना ऐसा जा रहा है कि मोदी जी के बर्थडे पे ये गिफ्ट मिलके भारत को आने वाला है। देखते हैं, रियर सीट बेल्ट अलार्म टू बी मैंडेटरी। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर नोटिफिकेशन सून रिलीज करने वाली है कि जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों पीछे भी सीट बेल्ट ना लगाए कोई, तो बीप बीप का ऑप्शन दें। पुतिन अटेंडेड मिलिट्री ड्रिल्स विद चाइना एंड अदर्स, वोस्टोक 2022 की ये बात हो रही है। हमने इसके बारे में अच्छे से जाना था, भारत की कौन सी रेजिमेंट गई थी मैंने आपको ये भी बताया था। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में यही बता देना। ठीक है, तो यही था हमारा आज का सेशन, आई थिंक, है ना। एक और है, चाइना चिंगडू अंडर लॉकडाउन डिस्पाइट क्वैक। तो देखिए, चाइना की क्या है ना कि जीरो कोविड पॉलिसी है ये, इनके जो हेड है ना, क्या नाम है, जी जिनपिंग जी, इनके द्वारा दी गई थी। अब इसमें क्या होता है ना, किसी शहर में थोड़े बहुत भी कोविड के केस निकलते हैं, पूरे शहर को आइसोलेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं सब कुछ। तो पहले शंघाई में हुआ था, अभी चिंगडू में हुआ है। तो लोग जो हैं इसके अगेंस्ट में ऑनलाइन ऑफलाइन इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और चाइना की जो ये जीरो कोविड पॉलिसी है, इसको चाइना मतलब इससे हट भी इसलिए नहीं रहा है क्योंकि देखिए अभी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के हेड होने वाले हैं, फिर से इलेक्शन होने वाले हैं और प्रोबेबली जी जिनपिंग जी फिर से आ जाएंगे। तो अब वो होता है ना कि भाई पू को किसने मुड़ के नहीं देखा, मतलब कहने की बात है कि जी जिनपिंग जी ने कोई डिसीजन दे दिया है, ये उनकी पॉलिसी थी, तो अब वो एक्सेप्ट कैसे कर लें कि ये खराब थी, ये गलत थी, क्योंकि इस पॉलिसी के बाद भी कोविड के केसेस तो आ ही रहे हैं वहाँ पे। और इसकी वजह से इकोनॉमिकली बहुत लॉस हो जाता है, जो भी लोग वहाँ पे काम धाम करते हैं, जो कि सब बंद हो जाता है, तो ये एक समस्या है। और अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि वहाँ पे एक अर्थक्वेक भी आया हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं, उसके बावजूद भी ये जो लॉकडाउन है ये चलाई जा रहा है, तो वो वाली चीज़ है। तो ये था हमारा आज का सेशन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चाइना का चेंगडू देखा, वोस्टोक 2022 देखा, रियल सीट बेल्ट वाला देखा, अफ्रीकन चीता देख लिया हमने, है ना, EWS कोटा वाला देखा, बांग्लादेश PM फेवर्स अर्ली सॉल्यूशन फॉर टीस्ता हमने, फिर यहाँ पे रमन मैक्स अवार्ड के बारे में जाना, जो कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया में वो जाना, चिली में क्या हो रहा है देख लिया हमने, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चिली के मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो पहले डिस्कस किया हुआ है हमने। फिर हमने यहाँ पे नो कॉम्प्रोमाइज़ करके आर्टिकल देखा रिगार्डिंग मनोज तिवारी जी एंड दुबे जी। देन यहाँ पे हमने ये जो अभी एक पोर्ट जो है नया बन रहा है इसके ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, विजिंजाम, इसके बारे में जाना। एंड देन हमने यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है इसको समझा कि क्या होता है, कैसे चलता है। आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में हमारे इनरोल कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डेमो देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारी टीम के। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, इतना तो कर ही सकते हो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, लगे रहो। जय हिंद, जय भारत।